हाय दोस्तों, मैं हूं अंकुश टायरे और आप देख रहे हैं डिफेंस लाइन चैनल को। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो है धनुष आर्टिलरी गन के बारे में और दूसरा है यूएन से मिले चाइना को सबसे बड़े झटके के बारे में। तो दोस्तों, दोनों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आपने प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो अब अपडेट निकल के आ रहा है डीआरडीओ के तरफ से वो इस तरह का है। धनुष हथियार जो है आर्टिलरी गन वो इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है 8 अप्रैल 2019 को। तो दोस्तों, इसे डिज़ाइन का जिम्मा लिया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने। दोस्तों, इसकी पूरी तरह से परमिशन ली गई है बोफोर्स से और ये बोफोर्स से ही इंस्पायर्ड गन है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने इसकी पूरी तरह से परमिशन ले ली है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसे डिज़ाइन किया गया था। इसे 2010 और 2014 के बीच डिज़ाइन किया गया था। इसका जो फर्स्ट फेज था 2015 के बाद शुरू होने वाला था प्रोडक्शन का, पर कुछ कारणों के वजह से, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसमें आने वाले बेयरिंग के प्रॉब्लम के वजह से इसे डिले किया गया। तो दोस्तों, ये कोई और वेपन नहीं है, ये टॉड हावर्ट्ज़र गन है जो बोफोर्स की है। दोस्तों, इसकी कॉस्ट जो है वो 2.11 मिलियन डॉलर्स है जो यूएस में है और इंडियन रुपीज़ में 14 करोड़ है। तो दोस्तों, इसे 2018 में पूरी तरह से प्रोडक्शन लाइन पे लाया जाना था। पहले 36 गन्स दिए जाने वाले थे 2018 में, 2019 में 60 गन्स और फिर ऐसे करके 2014 में पूरी तरह से 114 गन्स दिए जाने वाले थे। ये अलग अलग वेरिएंट्स में बनने वाले गन्स थे दोस्तों। और इसमें जो सबसे बढ़िया बात थी, इसमें जो थर्मल साइट गनर्स था, एक ज़बरदस्त नया टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई थी। और इसमें जो गनर डिस्प्ले है वो भी नया लाया गया है दोस्तों अब। पर दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि ये 2017 में इसका जो ट्रायल हुआ था इसमें इसने कुछ बढ़िया फायर नहीं किया था और तब जाके डीआरडीओ ने इसमें कुछ चेंजेस किए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अब दोस्तों, जब यह हथियार बन के तैयार हुआ है तो इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया है। तो ऑल टेरेन में काम करने वाला है, प्रिसाइज टारगेटिंग, लॉन्ग रेंज बस्टर्ड एंड इंस्टेंट रेट ऑफ फायर, शूट एंड स्कोप कैपेसिटी है, हाई मैन्योरेबिलिटी है। और दोस्तों, ये जो गन है वो है 155 mm 45 कैलिबर की गन, जो सबसे अपने रेंज में सबसे बढ़िया है। इसमें है चैम्बर कैपेसिटी 23 लीटर्स की है, जो है डीजल वेरिएंट का। जो मैक्सिमम रेंजेस दोस्तों इसकी 38 किलोमीटर्स है और जो एम्यूनेशन ये फायर करता है वो है 155 mm का प्रोजेक्टर पे। दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर की सेल्फ प्रोपेलेंट है और ये दोस्तों ये कहीं भी और किसी ही टेरेन में फायर कर सकता है। दोस्तों, इसका वेट बहुत ही कम होने के वजह से ये बहुत ही लाइट वेट है। ये 12,000 किलोग्राम का है और इसके जो शेल्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किए गए हैं दोस्तों। दोस्तों, ये गन की बैरल लंबाई भी 6,975 mm की है, जिसके वजह से ये बहुत ही दूर तक फायर कर सकती है। इसकी फायरिंग पावर जो है वो है 38 किलोमीटर तक। तो दोस्तों, इसे बहुत ही अलग अलग जगहों पे ट्रायल लिए गए हैं सियाचिन में। अब इसका कुछ दिन पहले 5,000 से शेल्स के साथ इसका ट्रायल किया गया था, जो इसने बहुत ही ज़बरदस्त पिन पॉइंट लेकर इसे फायर किया गया था और इसने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया था। अब दोस्तों, इसका जो दो दिन पहले जो अपडेट आया था दोस्तों, ये राजस्थान में भी इसकी जो ट्रायल चल रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर भी दे रहा है। तो दोस्तों, इस गन के हर तरह से इंडियन आर्मी को बहुत ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत सबसे पहले कारगिल में इसकी महसूस हुई और फिर जब बोफोर्स ने उसकी जो परफॉर्मेंस दिखाई तब इंडियन आर्मी को लगा कि ये गन हमारे पास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा धनुष के बारे में। तो दोस्तों, अब जो दूसरा और सबसे बहुत बढ़िया अपडेट आ रहा है वो है यूएन की तरफ से। तो दोस्तों, यूएन और चाइना के बीच में बहुत ही बड़ा पंगा हो गया है दोस्तों, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान और वो दूसरा है पाकिस्तान। क्योंकि कुछ दिन पहले हम जैसे सब जानते हैं
कि इंडिया में जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, जो कश्मीर के एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया था एक सुसाइड अटैक में, और जिसमें यूएन में बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी निंदा की गई थी। सबको जैसे कि पता है कि इसके पीछे जो आदमी है वो है मसूद अज़हर, एक ऐसा आदमी जिसे चाइना बचाता रहा है हर वक्त। चाइना ये सोचता है कि वो मसूद अज़हर को बचाकर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, और उसका जो मेन वजह है वो खुद चाइना के इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि जिंगजांग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है चाइना में जहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है मुस्लिम्स को लेकर। वहाँ पे जो मुस्लिम्स है उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें री एजुकेशन के नाम पर बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है, और चाइना चाहता है कि ये बात बाहर डोमेन में ना आए, या फिर मसूद अज़हर जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह के डिस्टरबेंस तैयार कर सकते हैं चाइना में। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप सिर्फ हम मसूद अज़हर को बचाते हैं, पर तब तक आप उसे शांत रखिए कि वो किसी भी तरह का एक्शन चाइना के अगेंस्ट ना ले। तो दोस्तों ये चाइना एक तरह से मसूद अज़हर को सेफ हेवन दे रहा है, उसके टेररिज्म के जो मेन फंडामेंटल्स है उन्हें बचा रहा है, और ये सबसे घातक बात हो रही है इंडिया के लिए। और इसका जो संगीन जब यूएन तक पहुंचा, जब इसे इंफॉर्मेशन जब यूएन में पहुंचा, तो यूएन ने स्ट्रिक्टली चाइना को कहा कि जल्दी से जल्दी आपने जो वीटो लगाया है, टेक्निकल वीटो, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, या फिर हम मसूद अज़हर पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे वो भी आपके अगेंस्ट। अब मसूद अज़हर तो पूरी तरह से फंस गया है। अब चाइना जब मसूद अज़हर के इशू पर सबसे ज़्यादा फंस चुका है, तो चाइना अब चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और मसूद अज़हर पर कोई ना कोई एक्शन ले जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे और किसी टॉपिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम ज़रूर बहुत से और चीज़ें लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों हो सके उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।